हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मैं सेल्फ अस्ता स्वागत करती हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ कुछ नई अपडेट के साथ। SGPGI का जो फॉर्म था 19 अप्रैल तक जिसका लास्ट डेट है, आई थिंक जिनके पास BSc नर्सिंग है या फिर GNM के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है 50-bedded हॉस्पिटल का, उन लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया होगा। ये UP की वैकेंसी है SGPGI लखनऊ की। अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते थे, तो आई थिंक आपने अप्लाई कर दिया होगा। अभी भी अप्लाई नहीं किया तो 2 दिन का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज SGPGI के सिलेबस की बात करूँगी। जो लोग भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिलेबस में मैं पूरी डिटेल में बताऊँगी कि कितने घंटे का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम के सिलेबस क्या होंगे, कितने माइनस मार्किंग रहने वाली है और पासिंग मार्क्स आपको कितने पाने हैं, कितने पे आपका सिलेक्शन होगा। पूरी वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ये भरोसेमंद साइट से लिया हुआ है। इसमें जो होता है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जो लगभग सिलेबस सारे ट्रेड के लिए सेम होता है। तो बस टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें डिफरेंट होता है, बाकी जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन के होंगे और 100 नंबर के होंगे। इसमें आपका जनरल इंग्लिश जो होगा वो 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज जो होगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन। रीजनिंग जो होगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो होगा वो भी 10 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके होंगे। आपके जो नर्सिंग टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, नर्सिंग का जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 60 में से 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल आपको 120 मिनट्स मतलब कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा। और इसमें जो माइनस मार्किंग रहने वाला है वो 1/3 का रहने वाला है, मतलब आपके अगर 1 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कितने एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए एटलीस्ट मतलब आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि 50 नंबर होना चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट वाले भी आते हैं और अपने स्टेट के भी बच्चे आते हैं, EWS में भी हो या फिर OBC कैटेगरी की हो, तो आपको 50% नंबर लाने, यानी कि 50 नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC ST से हो तो 45% मार्क्स आपके होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स आ पाएगा। बाकी सिलेक्शन के लिए जो ऊपर से बच्चे होंगे, मैक्सिमम जिनके नंबर होंगे उनका सिलेक्शन होगा पोस्ट वाइज, जितना भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया और जिन लोगों ने एग्ज़ाम, जो लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके ऊपर के नंबर से ही सिलेक्शन होगा। अब मैं बताऊं कि इंग्लिश में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सारे सब्जेक्ट में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी। इंग्लिश में आपसे जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, आइडम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वैकेबुलरी, ऐसे क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं बात करूँ जनरल नॉलेज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमी, बैंकिंग, आर्ट्स, करेंट इवेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, कल्चर्स, इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज करेंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज में। अब मैं बात करूँ कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, थीम डिटेक्शन, अर्थमेटिक रीजनिंग, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑफ एज, ड्राइविंग पैसेज कैलकुलेशन, रैंकिंग नंबर एंड टाइम सीक्वेंस, एनालॉजी एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल रीजनिंग में। अब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो डिस्काउंट आ सकता है, मेंसुरेशन आ सकता है, मिक्सड एनालिजेशन आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है, एवरेज, टाइम वर्क एंड प्रॉब्लम ऑफ एज, ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स वाले जो एप्टीट्यूड है उसमें आ सकता है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें जो वैकेंसीज हैं बहुत ही ज़्यादा कम हैं और उसके अकॉर्डिंग सारे अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके यूपी के भी अप्लाई कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाला है।
तो आपको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, अपना नर्सिंग सब्जेक्ट या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट पे करना है। अगर आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी पकड़ बना ली, जिस भी एग्ज़ाम में ये मैथ रीजनिंग वगैरह आते हैं तो उसका जो नर्सिंग पोर्शन होता है वो ईजी होता है, इसीलिए आप नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस करें। और नेक्स्ट जो ये चार चीज़ें हैं उसके लिए आप कोई भी टेक्निकल बुक ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। बाकी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये टेक्निकल तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेसिक आप फोकस इस पे करें और साथ में जो आपके पास टाइम बच जाए वो रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे करें, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।